नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर है और खबर यह है कि सीएम रघुवर दास को विधानसभा चुनाव में हराने वाले झारखंड के कद्दावर नेता सरयू राय ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। भारतीय जन मोर्चा के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सीएम रघुवर दास को हराया था। लंबे वक्त तक झारखंड सरकार में मंत्री रहे हैं, झारखंड के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और रघुवर दास की कैबिनेट में ही सरयू राय मंत्री रहे हैं और उन्हीं को झारखंड विधानसभा चुनाव में हराया था। और जब झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए थे तो सरयू राय को लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि चूंकि सरयू राय की उम्मीदवारी का समर्थन किया था हेमंत सोरेन ने, तो वे झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तमाम तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन आज खबर आ गई है सरयू राय ने भारतीय जन मोर्चा के नाम से पार्टी बना ली है। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, सुनिए सरयू राय क्या कह रहे हैं। आप सभी का आज के संवाददाता सम्मेलन में स्वागत है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। गत कुछ दिन पहले की घटनाओं से अवगत हैं आप। चुनाव हुआ, चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली। जिस टीम ने विधानसभा स्तर का काम किया था उसके अधिकांश लोग यहाँ मौजूद हैं। एक कुर्सी और है तो उनको बुला लेना। आप लाइव कर रहे तो, लेकिन क्या करे बताइए। आप यहाँ से ऐसा करिएगा तो आप सभी को आवाज कम कर दीजिए। आप सभी को नए साल की बधाई, शुभकामना। विगत दिनों की घटनाओं से आप अवगत हैं। चुनाव हुआ, उसका नतीजा आया। जो टीम जमशेदपुर पूर्वी में लोगों के साथ काम कर रही थी और जमशेदपुर पश्चिम से भी जो सक्रिय लोग हम लोगों के साथ थे, उसमें से काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। इतने दिनों में हमने महसूस किया कि क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, विकास का काम करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा की जरूरत है, क्योंकि नीचे से जब सूचनाएं ऊपर आएंगी तभी हम लोग कोई पीड़ित है, कोई प्रताड़ित है, उसकी मदद भी कर पाएंगे, किसी समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। तो इसी के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हम लोग आज एक नए संगठन की घोषणा कर रहे हैं जो विधानसभा क्षेत्र के विकास पर अच्छी गतिविधियों को मिल सकेगा। हम लोगों ने विचार करके संगठन का नाम भारतीय जन मोर्चा रखा है। ये अवसर है भारतीय जन मोर्चा नाम के एक नए संगठन के गठन की। उसमें हमारे मंडल स्तर तक और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा स्तर तक जिन लोगों ने संयोजक के रूप में काम किया है सभी लोग पूर्ववत अपने मंडलों में और विधानसभा स्तर पर संयोजक के रूप में सक्रिय रहेंगे। यह संगठन जमशेदपुर पूर्वी के साथ अभिलंब प्रभाव से जमशेदपुर पश्चिम में भी काम करेगा विधानसभा क्षेत्र और अपने गतिविधियों का जो महानगर जिला है वहां तक विस्तार रखेगा। इसलिए आज हम लोग जमशेदपुर पश्चिमी के लिए भी दो घोषणाएं कर रहे हैं। मुकुल मिश्रा जी वहां के विधानसभा क्षेत्र के संयोजक होंगे और ब्रजेश सिंह मुन्ना जो चुनाव भी लड़े थे आज सुबह से वहां के साथ संयोजक होंगे।
पूर्वी क्षेत्र में आ जाए तो बीजेपी से बगावत कर सीएम रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े सरयू राय। चुनाव में सीएम रघुवर दास को हराया और आज नई पार्टी की घोषणा कर दी है। भारतीय जन मोर्चा सरयू राय की नई पार्टी होगी, जिसकी कमान सरयू राय के हाथों में होगी। तो कह सकते हैं सियासत की यह दूसरी पारी है। बीजेपी छोड़कर अब भारतीय जन मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे सरयू राय। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।